वर्ष की हार्दिक शुभकामना, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आज प्रेम बाबू और रामदयाल सिंह सस्टेनेबल डेवलपमेंट संस्थान की तरफ से हम लोग को यहाँ आमंत्रित किया गया है। मित्रों, बहुत संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ, अभी जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ फतुहा में जो पटना जिला का सबसे बड़ा विद्यालय है उसका प्रचार था। हमारे विद्यालय में 2500 छात्राएं और करीब 3000 बच्चे थे। इसके अलावा नवोदय विद्यालय का प्रचार रहा। अभी मैं संघ परिवार RSS दानापुर जिले का कुटुंब प्रबोधन का जिला संयोजक भी हूँ। छात्रों के साथ, बुजुर्ग लोग के साथ, परिवार के साथ जुड़ने का मेरे को प्रतिदिन अवसर मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि वर्षों बाद 1977 में मैं रामदयाल सिंह विद्यालय में ISC में नामांकन कराया था और तब से ऑनर्स की परीक्षा तक हर वर्ष उनकी जयंती में मैं भाग लेते रहा। इसे साथ रहेंगे और हर चीज जानने का अवसर मिला। गांव से भी परिचित हूँ, उनके परिवार के जो लोग हैं उस समय जो थे वो सब लोग उस समय परिचित थे। वो प्रथम अध्यक्ष थे। हम लोग जब वहाँ गए हुए थे तो प्रथम जयंती समारोह में उनके विषय में विस्तृत चर्चाएं हुई थी। आज समाज लगता है कि उन लोगों को जो मान्यताएं समाज में प्रकाशित किए थे, प्रशस्ति हुई थी, सबको लोग भूल रहे हैं। लेकिन दोनों महानुभावों के संयोग से आज यह अवसर मिला, इसके लिए उनका आभारी हूँ। हमारा जो कार्य है कुटुंब प्रबोधन, यह इस संस्था से कैसे जुड़ा हुआ है, समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, एक मिनट उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे परिवार से जुड़ जाते हैं पढ़ने के लिए। जब बच्चे बचपन से लेकर के युवावस्था आने तक ISC पास करके इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने जाते हैं, वहाँ जाकर बहुत सी समस्याएं होती हैं, भटक जाते हैं, परिवार से कट जाते हैं। हमारे बुजुर्ग तो पूरा समाज कुछ दिए हुए हैं, वो सारी सेवा देने के बाद जब बुजुर्गियत आ जाती है तो सब लोग अपने बच्चे मस्त हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। वो सबको साथ लाने का हमारा कुटुंब प्रबोधन काम करता है। उसमें प्रेम बाबू का बहुत बार सहयोग रहता है, हमारे साथ रहते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको भी 17 पॉइंट जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, पहले मिलेनियम थे, उसमें बहुत सा काम हुआ है। मैंने अनुभव किया कि संजय बाबू थके हुए लग रहे, संजय झा जी कुछ थके हुए महसूस हो रहे थे। आशाएँ इन बच्चों से ही हैं, हम ही से हैं। हम अपने अनुभव को शेयर करके बच्चों को उत्साहित करके आगे बढ़ा सकते हैं। केवल समस्याएं गिना देना, चौधरी साहब भी जो है केवल समस्या ही बता रहे थे, समस्या से समाधान नहीं है। तो समस्या कह देना, हम बच्चों के सामने एक ब्लू प्रिंट रखना चाहिए और यह संस्था ही बता सकती है। ऐसे और लोग भी हैं जो इसको कर सकते हैं। संजय बाबू बहुत अनुभवी हैं, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, लेकिन इस भ्रष्टाचार में से ही तो शुचिता आती है। केवल हम यह कह दें कि यहाँ खराबी है या खराब चीज़ है, अच्छी बात नहीं है, तो निराशा मन में आती है। इससे बचना चाहिए हम लोग को, रास्ता जरूर सोचाना बताना चाहिए, सुझाना चाहिए क्या हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर। अब मैं संजीव जी को आमंत्रित